नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आइए नजर डालते दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कोलकाता में गंगा घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान क्रेन का ब्रेक फेल, लोगों को लगी टक्कर, चालक की हुई जमकर पिटाई। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर शीतल काल के लिए हो जाएंगे बंद। झारखंड के गुमला में एक बकरे की बलि देते समय घायल हुआ पास में खड़ा 4 साल का बच्चा, हुई मौत। जम्मू कश्मीर में 3 दिन पहले पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले में शामिल दोनों आतंकी ढेर। व्हाइट हाउस में इस बार भी दिवाली सेलिब्रेशन की तैयारियां। मोहन भागवत का बड़ा बयान, पानी, मंदिर और शमशान सबके लिए एक होना चाहिए, इस पे करनी चाहिए कोशिश। मुंबई में शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट की दशहरा रैली, दोनों नेताओं ने दिखाई अपनी अपनी ताकत। यूपी के 51 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट ने तोड़ा दम। ताइवान की चेतावनी, हवाई क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को हमले की शुरुआत माना जाएगा। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए नेशन लाइव।